देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं नाजी पठान, देश लाइव में आपका स्वागत है। आज जो नवी जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, जो नशे की तरफ जा रही है और अपने जीवन को ख़राब कर रही है, अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रही है, साथ साथ में उनके साथ साथ में पूरे पूरे परिवार, पूरी पूरी फैमिली, पूरी पूरी सिटी खराब हो रही है नशे को लेकर। मगर देख सकते हैं नशे के ऊपर आज कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। कहीं अगर गुजरात एक हब माना जा रहा है अगर नशे का, एमडी ड्रग्स देख सकते हैं आप, दारू देख सकते हैं, गांधी जी की नगरी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होना चाहिए था, मगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिका जा रहा है। हमारे साथ बात करेंगे हम, जो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जो बात करी गई है, एक आवाज़ उठाई गई है नशा मुक्त के विरोध में, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी जनाब, आपका नाम? मुझे मोहम्मद अख्तर कहते हैं, मैं वटवा में रहता हूँ और इंडस्ट्रिया कम्युनिटी से ताल्लुक भी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात रही और बेइंतहा अच्छा प्रोग्राम रहा, जिस एतबार से यहाँ पर तमाम मजाहिब मसलक के लोग मौजूद थे, चाहे हिंदू धर्म के अपने मुख्तलिफ शोबे हों या मुसलमान शोबे हों, हत्ता कि ईसाई और यहूदी ज़िम्मेदार और कौम के राहबर और लीडर और आगेवान आए और उन्होंने हर एक ने हाथ में हाथ मिला करके सब ने इस बात पर जोर दिया है कि इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए कि बहरहाल कुछ भी हो, चाहे वो ताजिर पेशा लोग हों या हुकूमत में ज़िम्मेदार बाज़ ऐसे अफराद हों जो अपने मफाद के लिए मुल्क और कौम और जवानों को तबाह करने की राह में आगे बढ़ रहे हैं। और ये बात बिल्कुल मुसल्लम है कि सबसे आसान तरीन ज़रिया जिसके ज़रिए से हम जवानों को बर्बाद कर सकते हैं वो नशा है, ताकि उनके जहनों को छीन लिया जाए, फिर उनको जैसे चाहे इस्तेमाल किया जाए। हमारी ये पूरी कौमी ज़िम्मेदारी, इंसानियत की ज़िम्मेदारी ये है कि हम इस राह में आगे बढ़ें। अल्लाह का शुक्र है, ऊपर मालिक का करम है कि बेइंतहा अच्छे प्रोग्राम के साथ बहुत ज़िम्मेदार हज़रात हैं जो साथ में आए हैं, और उम्मीद ये है कि जैसा है कि आइंदा हम इस बारे में प्रैक्टिकली तौर से मुख्तलिफ अहमदाबाद से शुरू कर रहे हैं, मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्राम करके, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो स्टेज ड्रामा हो या नुक्कड़ मीटिंग हो, इस तरह करके लोगों में इसकी बेदारी को पहुंचाया जाए, ताकि पहले हम जवानों को इसकी नुकसानात और इसके आने वाले मसाइल से आगाह कर दें। जब इंसान किसी चीज़ की बुराई को समझ लेगा तो दूर उससे हो जाना उसके लिए आसान होता है। सबसे बड़ी मुश्किल हमारी यहाँ है कि आज जो मीडिया है या जो दौलत पसंद अफराद है जिनका ताल्लुक इसके बिज़नेस से है, वो इसको फैशन बना के हमारे नौजवानों दरमियान पेश कर रहे हैं। आप देखें, अगर आप में इजाज़त दें तो मैं दो लफ्ज़ कहूँ कि आप ये महसूस करें, आप क्रिकेट खेल देखें, आप हर दो गेंद के बाद टाइम मिलने के बाद सिवाय शराब के और किसी और की ऐड नहीं आती, और आइडियल को लेकर के आते हो तो दोनों काम होगा, खेल भी उनका सवार है जहन के ऊपर और आइडियल भी साथ में। तो नतीजा ये होता है कि एक फ़ैशन हो गया, जिसके हाथ में शराब की बोतल है, इंग्लिश बोतल है, वो एक एडवांस आदमी हो। नौजवानों को यही चाहिए कि देख के लोग कॉपिया करें, देखो वो पी रहे तो हम क्यों नहीं पिएंगे, वही उनको देखकर फैशन महसूस करने लगे, अपने गर्व करें कि हम बहुत ऊंचे, यानी सभ्य समाज या मसलन एडवांस फैमिली होने की पहचान ये है कि हाथ में शराब होनी चाहिए। जब ये समाज इस तरह से आगे बढ़ेगा तो आप बताएं कौन रोक सकता है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हमें संजीदा और अच्छे आइडियल बनाना चाहिए जो शराब को रोक सकें। इस मामले में ज़िम्मेदारान आगे आएँ, कौम को आगाह करें, बच्चों को आगाह करें, इत्तला दें, ताकि वो इससे दूर हो सकें। जब दूर हो जाएंगे, समाज खुद ब खुद करप्शन, चोरी, डकैती और दूसरे जुल्म से दूर हो जाएगा, एक अच्छा सभ्य समाज हमको मिल जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये धार्मिक सहोदय जो मंच है उसके द्वारा ये जो बदी है हर धर्म में है, किसी एक धर्म की समस्या नहीं है, ये समस्या पूरे धर्म की है और ये समस्या पूरे देश को ख़त्म कर रही है। तो हमारा मानना है कि एक नशा मुक्त अभियान पूरे देश में, मानिए भारत को नशा मुक्त करना है, ऐसा कि अभियान हर धर्म में चलाया जाए, हर लोग, हर व्यक्ति, हर धर्म धुरंधर जो हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, वो सभी लोग जो अगर इसी आंदोलन में जुड़ जाए तो एक दिन पूरा भारत नशा मुक्त हो सकता है। और धर्म के साथ उसको समझाया जाएगा कि भाई भगवान ने, ईश्वर ने या अल्लाह ने करने के लिए एक षड्यंत्र के रूप में मानव जाति में घुसाया है। कभी किसी भगवान ने या किसी अल्लाह या तो ईसा ने कभी नहीं कहा है कि आप शराब पिए, बीड़ी पिए, तम्बाकू पिए, तो हम क्यों अपना रहे हैं? और हमारे एक भाईजान ने कहा कि इसको ही मंदिर समझो, और अपने अंदर जो बैठे भगवान को, अल्लाह को, ईश्वर को हम ये नशा देते रहते हैं तो वो भी नाराज़ होंगे। बिल्कुल।
तो वो नाराज न हो, इसी के लिए हमें सभी को ये समझाना है कि आपके अंदर बैठे आत्मा को, परमात्मा को क्यों आप खराब दे रहे हो, क्यों ये नशा दे रहे हो, क्यों इसको बर्बाद कर रहे हो। और साथ में ये भी समझाना है कि आप पैसों से भी बर्बाद हो रहे हो और शरीर से भी बर्बाद हो रहे हो। जब तक ये ज्ञान सबको नहीं बांटा जाएगा तब तक नशा उन्मूलन जो आंदोलन है वो आंदोलन को सक्सेस बनाना बहुत कठिन है। कह सकते हैं कि जैसे जब मन और तन दोनों साफ नहीं होगा तो फिर तब तक ये मन और तन को दोनों को सुधारना है तो नशा को दूर भगाना है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ऐसे जो प्रोग्राम जो यहाँ हुए हैं ये हर देश में, हर एक भारत में, हर एक जगह पर होना चाहिए, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट, काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा हमारे भारत में? हर नुक्कड़ पर होना चाहिए। अच्छा। हर नुक्कड़ पर ये प्रोग्राम होने चाहिए, हर धर्म के लोग वहाँ नुक्कड़ पर खड़े हो जाए और सबको बताए कि ये गलत है। अच्छा, ये नहीं करना चाहिए। सभी एक साथ कहेंगे तो जो धर्म वाले जिनको मानते हैं उसकी असर उसके पर पड़ेगी। ये कार्यक्रम इसी से चलाया जाएगा, भविष्य में ये होगा, हर नुक्कड़ पर हम पहुंचेंगे और हम नुक्कड़ पर ये सभी को लेके, सभी धर्म के लोगों को इकट्ठा करके ये बात बताएंगे। नशा मुक्त का प्रोग्राम रखा गया था यहाँ पर, सारे धर्म के लोग, सारे धर्म गुरु आए थे, सारे धर्म के लोग आकर एक अच्छा मैसेज दिए कौमी एकता का, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा नाम शकील अहमद राजपूत है और जमात इस्लामी हिंद गुजरात का इस वक्त प्रमुख हूँ। ये जमात इस्लामी हिंद ने पिछले साल धार्मिक सौहार्द मंच के नाम से एक मंच बनाया है और इसका मकसद ये था कि धर्मों के दरमियान में जो समान चीज़ें पाई जाती हैं उन कॉमन कोर्स को लेकर आगे बढ़ा जाए और हमारे समाज को बेहतर बनाया जाए। तो हमने स्टडी किया कि अभी ज्वलंत समस्याओं में, बड़ी समस्याओं में कौन सी बड़ी समस्या है, तो हमने महसूस किया कि आजकल हमारा जो युवा धन है, हमारे जो नौजवान हैं, वो व्यसन के रवाड़े चल रहे हैं, वो नशे के आदि होते चले जा रहे हैं और ये ऐसा मर्ज है, ये ऐसी बीमारी है जिसको तमाम धर्मों के लोग बुरा समझते हैं, बल्कि इंसान का अपना खुद का ज़मीर भी इसको बुरा समझता है। तो हमने तमाम धर्मों के लोगों को जमा किया और कहा कि इसके ताल्लुक से जागृति आनी चाहिए। जल थल और वायु प्रदूषण भी उसके व्यसन ही बन जाने से पैदा होता है, तो हम चाहते हैं कि पूरे समाज के अंदर से व्यसन मुक्ति आ जाए। अच्छा, ये जो प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है तो आपको नहीं ऐसा लगता कि यही प्रोग्राम अगर हर एक जगह पर हो काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल सकता है? गुजरात तो गुजरात, पूरे भारत के अंदर। वैसे जमात इस्लामी हिंद के पूरे भारत में इस तरह के 15 स्टेट्स के अंदर धार्मिक सौहार्द मंच हैं और जिस पर हम कॉमन प्रोग्राम्स करते रहते हैं और ये हमारा फर्स्ट स्टेप है व्यसन मुक्ति की तरफ। यहाँ हमने यही तय किया है कि अब यहाँ से जाने के बाद अहमदाबाद के 49 वार्ड्स हैं, उन 49 वार्ड में हम अलग अलग प्रोग्राम करें जागृति के, ताकि नौजवान जो है उन्हें बेदारी भी आए और वो इससे अपना इससे पीछे छोड़ा सकें। देखिए, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे समाज के अंदर कौमी एकता और कौमी सौहार्द पैदा हो। देखिए, जो व्यक्ति, जो शख्स धर्म में मानता है, उसके दिल में ईश्वर की याद होती है, वो कभी भी नफरत करने वाला नहीं बन सकता, वो कभी भी सख्त दिल नहीं बन सकता। तो ये धर्मों की शिक्षा है और बिलखसूस इस्लाम की तालीम भी यही है कि लोग मोहब्बत बांटने वाले बने, इंसानों की खिदमत करने वाले बने और मिलजुल कर एक बेहतर समाज का जो है कि तामीर हम कर सकें, ऐसा माहौल जो है बनना चाहिए। तो हम तमाम धर्मों के लोगों को साथ में लेकर यही कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि व्यसन मुक्ति का काम करें, बल्कि समाज के अंदर एक अच्छा माहौल और एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि भाई जिस तरह से हमारे गुरु एक मंच पर बैठ सकते हैं, उस तरह से हम पूरा समाज भी एक हो सकता है और एक होकर वो अपने समाज के और अपने देश के तरक्की के लिए काम कर सकता है। हमारे साथ इकबाल भाई मिर्ज़ा जो मौजूद हैं, जिन्होंने ये पूरे प्रोग्राम का आयोजन करा था। बात करने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ जो देख सकते हैं कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो चार फूल हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के, कहीं ना कहीं उन्हें उजाड़ने की, उनको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है, मगर यहाँ गुजरात अहमदाबाद के अंदर एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर नशा मुक्त अभियान जो है एक चालू करा गया, एक नवी शुरुआत करी गई, जिसमें सारे धर्म के गुरुओं को बुलाकर, सारे धर्म के लोगों को बुलाकर और एक कौमी एकता का मैसेज, कौमी एकता देखने को मिली। बात करेंगे सीधा इकबाल भाई से। इकबाल भाई, आपके दिमाग में क्या विचार आया कि आपने इतना बेहतरीन जो है प्रोग्राम को अपने जो चालू करा और बहुत ही अच्छी इसकी सफलता देखने को मिल रही है? देखिए, हमारा मुल्क जो है वो धर्म प्रधान देश है। जितने भी दुनिया में धर्म और संप्रदाय पाए जाते हैं वो हमारे मुल्क के अंदर उसका सुमन्वय हुआ है। जमात इस्लामी चाहती है
कि पूरे मुल्क के अंदर शांति, न्याय और अमन कायम हो, और उसी के लिए जमात इस्लामी जद्दोजहद कर रही है। तो उसी के नतीजे में हमारे एजेंडे के तहत हमने सोचा कि क्यों ना सभी धर्म और संप्रदाय के जो लोग हैं उनको जमा किया जाए। हमारा मुल्क जो है वो धार्मिक है, लोग धार्मिक महानुभावों की बहुत सुनते हैं, तो हमने धार्मिक सौहार्द मंच गुजरात के नाम से अगस्त 2022 के अंदर उसका लॉन्चिंग प्रोग्राम किया था। फिर हमने सोचा कि हमारी बातें सिर्फ चार दीवारी में ना रह जाए, बल्कि हम समाज में जाएं और कुछ काम भी करके दिखाएं। तो हमने व्यसन मुक्ति का जो एजेंडा है, इस बार ये दूसरी जो मीटिंग हुई अभी सद्विचार परिवार में, तो उसमें हम लोगों ने यहाँ पर तय किया। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो युवा धन है, हमारे नौजवान जो है, वो दारू, जुगाड़, गुटखा, ड्रग्स, ये सब के आदि हो चुके हैं। और हमारी जो हिंदुस्तान इस माने में फ़ख्र कर सकता है कि सबसे ज़्यादा नौजवान इस मुल्क के अंदर पाए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके जहनों को ख़राब करना और उनकी जवानी को बर्बाद करना और उनके मुस्तकबिल को बर्बाद करने का ये एक पूरी मुहिम लगती है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम सब मिलकर व्यसन मुक्ति अभियान चलाएं, और सभी धर्म और जितने भी संप्रदाय पाए जाते हैं वो सब अपने अपने तौर पे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर पूरे गुजरात के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर अगर ये चलाना है तो हम सबको मिलकर और सबको सहियारे प्रयास के द्वारा मतलब ये काम करना होगा, तभी हम व्यसन मुक्त गुजरात और व्यसन मुक्त भारत बना सकते हैं। तो इसी उसमें हमने प्रोग्राम का आयोजन किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा हमारा ये प्रोग्राम। अभी हमने बात यही आई यहाँ पर हमारे विचार विमर्श के दरमियान कि नौजवान है वो रोल मॉडल अपने जिनको बना रहे हैं, जैसे फिल्म एक्टर्स वगैरह हैं उनको अपना रोल मॉडल बना रहे हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो मजहबी लोग हैं, उनको अपना रोल मॉडल नहीं बना रहे हैं। तो और कोशिश हमको करनी होगी इनफरादी तौर पर भी, इज्तिमाही तौर पर भी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी बन गई है उसके तहत भी हम लोग धार्मिक सौहार्द मंच के प्लेटफॉर्म से उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी रजूआत करेंगे कि एक तरफ आप पूरा प्रोडक्शन होने देते हैं और दूसरी तरफ आप उसको रोकने की बात करते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा इनकम भी गवर्नमेंट को हो रही है, ये भी एक वो है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो युवा धन है जो इस तरफ जा रहा है उसको हम सब मिलकर रोका जाए, उसको कहीं ना कहीं जो कमी है उसको पूरी करी जाए, है ना। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।